ये केवल एक राजनीतिक दल नहीं, एक आंदोलन है। विचारधारा जिसका प्राण है, जिसके सिद्धांतों में निष्ठा है, जो भारतीय संस्कृति के गौरवशाली अतीत से प्रेरणा लेते हुए मां भारती को परम वैभव की ओर ले जाने को संकल्पबद्ध है। भाजपा एक आंदोलन। भाजपा की गाथा संघर्षों से गढ़ी हुई गाथा है। ये गाथा है अनगिनत देशभक्तों की, लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं की और ऐसी विभूतियों की जिन्होंने अपने अटूट विश्वास और अथक परिश्रम से इतिहास की धारा को मोड़ दिया, देश की राजनीति को नई दिशा दी, राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति की अलख जगाई। स्वतंत्रता के पश्चात जब नेहरू लियाकत पैक्ट पर हस्ताक्षर हुए, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने पाकिस्तान में रह गए हिंदुओं की जिम्मेदारी से मुंह मोड़ दिया। तब से उद्वेलित होकर डॉक्टर श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। नेहरू के पाश्चात्य प्रेम से ऐसी नीतियां बनने लगी जिनमें भारतीय संस्कृति सुरक्षित नहीं रह सकती थी। कांग्रेस गांधीवाद को विस्मित कर नेहरूवाद के रास्ते पर चलने लगी। डॉक्टर मुखर्जी और कई अन्य राष्ट्रवादी नेताओं ने इस खतरे को भांप लिया। एक नए राजनीतिक दल की आवश्यकता महसूस की जाने लगी और इस तरह 1951 को स्थापित हुआ भारतीय जनसंघ। जनसंघ की ओर से मार्च 1953 में कश्मीर के पूर्ण विलय के लिए दिल्ली में सत्याग्रह आरंभ किया गया। डॉक्टर श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने तय किया कि वो बिना परमिट के कश्मीर में प्रवेश करेंगे। उन्होंने सिंह गर्जना करते हुए कहा था कि एक देश में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान नहीं चलेगा। अपनी दृढ़ संकल्प शक्ति और जनता से मिल रहे समर्थन के बल पर 11 मई 1953 को श्री मुखर्जी ने बिना परमिट के कश्मीर में प्रवेश कर लिया और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। 23 जून 1953 को संदेहास्पद स्थितियों में वे शहीद हो गए। देश में शोक की लहर दौड़ गई। मुखर्जी के बलिदान का असर यह हुआ कि 9 अगस्त को शेख अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री के पद से हटाकर बंदी बना लिया गया और जम्मू कश्मीर के लिए परमिट अवस्था को खत्म कर दिया गया। 1947 में देश को ब्रिटिश हुकूमतों से तो आजादी मिल गई, लेकिन देश के कई हिस्से ऐसे थे जिन पर अभी भी विदेशी ताकतों का कब्जा था। इन क्षेत्रों की मुक्ति के लिए पार्टी ने गोवा मुक्ति आंदोलन चलाया, पांडिचेरी दादर हवेली की स्वतंत्रता के लिए अभियान चलाया, पश्चिम बंगाल के बेरुबारी को पाकिस्तान के हाथों में सौंपने का तीव्र विरोध किया, कच्छ समझौते के विरुद्ध आंदोलन किया और गौ हत्या के विरुद्ध अभियान चलाया। वर्ष 1965 में पाकिस्तान ने छल पूर्वक भारत पर हमला कर दिया और कच्छ के कंजर कोट समेत कई इलाकों पर कब्जा कर लिया। जनसंघ ने इसका विरोध किया और देश भर से जुटे 5 लाख लोगों ने दिल्ली आकर फौज न हारी कौम न हारी हार गई सरकार हमारी का नारा दिया। जनसंघ के समर्थन से तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को हिम्मत मिली और भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर विजय पाली। और इसके बाद देश में आया वो दौर जिसे भारतीय लोकतंत्र का सबसे स्याह दाग माना जाता है, आपातकाल। आपातकाल के दौरान तमाम बड़े विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया और उन्हें यातनाएं दी गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। जनसंघ के हजारों कार्यकर्ताओं ने अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर आपातकाल के दंश को झेला और 1977 के चुनाव में जनता पार्टी के नेतृत्व में देश को नई सरकार मिली।
पर भारतीय राजनीति का ये पहल प्रयोग ज्यादा दिन नहीं चल पाया और आपसी लड़ाई व कांग्रेस के षड्यंत्रों के कारण सरकार गिर गई और 6 अप्रैल 1980 को जनता पार्टी से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। 1987 में देश में राजीव गांधी की सरकार थी। बोफोर्स मामले में उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और शाहबानो केस ने उनकी अल्पसंख्यक वोट बैंक की राजनीति का पर्दाफाश कर दिया। 25 सितंबर 1989 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से राम रथ यात्रा शुरू की। देश के जिस भी भाग से ये यात्रा निकली, इसे अपार जन समर्थन मिला। इस यात्रा ने न केवल भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को बदल कर रख दिया, बल्कि देश के भविष्य को भी एक नई राह दी। 1991 का वो दौर जब आतंकवाद अपने चरम पर था, उसी दौरान भाजपा ने कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने का निर्णय लिया। दिसंबर 1991 में भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व में एकता यात्रा निकाली गई। श्रीनगर के लाल चौक पर 26 जनवरी 1992 को तिरंगा फहराकर डॉक्टर जोशी ने भारत की एकता और अखंडता का संदेश दिया। वर्ष 1996, 1998 और 1999 में 3 लोकसभा चुनाव हुए, जिसमें भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देश को सफल नेतृत्व दिया। इसके बाद भाजपा को विपक्ष में बैठने का निर्णय मिला और भाजपा ने यहां भी एक सजग और जनता की आवाज उठाने वाले सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाई। आज केंद्र और अनेक राज्यों में भाजपा और इसके गठबंधन की सरकारें अंत्योदय एवं एकात्म मानववाद के आधार पर जन कल्याण के कार्य कर रही है। आज भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। इस पार्टी को लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं ने सींचा है और आज भी इसके समर्पित कार्यकर्ता नेपथ्य में रहकर मां भारती की सेवा कर रहे हैं। भाजपा का लगातार हो रहा देश में विस्तार इस बात का प्रतीक है कि लोगों की आस्था और विश्वास पार्टी नेतृत्व में बढ़ रहा है। पार्टी को देश के कोने कोने से अपार जन समर्थन मिल रहा है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी अनेक अभिनव व लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से पार्टी के अंत्योदय के प्रण को पूर्ण करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मौजूदा सरकार की ओर से सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर सफलतापूर्वक काम हो रहा है। देश की जनता से पार्टी को मिल रहा अपार जन समर्थन भी एक तरह का आंदोलन ही है, एक ऐसा आंदोलन जिसमें पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता न्यू इंडिया के स्वप्न को पूरा करने के लिए संकल्पबद्ध है।